अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ सलामी फतेहर बनाना। ये अरबिक पिज़्ज़ा है, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा अरबिक। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चाहिए। हमें फतेहर के अंदर हमें चीज़ चाहिए, चीज़ ले लें। और मैंने आपको डो सिखाया हुआ है, पिज़्ज़े का डो, सेम डो है फतेहर का भी। तो डो की रेसिपी आप मेरी वहाँ से पिज़्ज़ा फतेहर डो जो भी रेसिपीज़ हैं उसमें लिखा हुआ है, मैंने जिन जिन के लिए वो है उसमें से चेक कर लें। ये वो डो है, उसका पिज़्ज़ा डो है, फतेहर का डो है। अब आपने ये सलामी है मेरे पास, आपको सलामी जितनी चाहिए आप उसके ऊपर लगाएं, या आपकी उस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा चाहिए कम लगानी है। ये सलामी है मेरे पास, चिकन की है, ऑलिव्स इसके अंदर मिक्स हैं, ऑलिव्स वाली ली है मैंने चिकन की। और मेरे पास ये चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है। हमारे पास मैदा है मेरे पास फ्लोर इसको रोल करने के लिए, कोरिएंडर है हमारे पास, हरा धनिया है, अंडा है, मैंने एक अंडे को बीट कर लिया है, एक अंडा है, और मेरे पास ये तिल है वाइट कलर की। और इसके अंदर मैंने अपने अंडे में मैं 2 टेबल स्पून अपना ऑयल मिला दीजिएगा और इसको बीट कर लें। 2 टेबल स्पून इसमें अपने अंडे में ऑयल मिलाना है। बस मैंने इसको बीट कर लिया था पहले अंडे को, अब इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं जी। इसमें देखें रोज़मेरी भी जाएगा, ओरिगानो भी जाएगा, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, रोज़मेरी और ओरिगानो ये इसमें डालेंगे। अब ये मैंने देखें ये डो गूंद के रखा हुआ था, ये देखें कितना फ्लफी, कितना ज़्यादा ये फूल गया है ना, रेज हो गया, ये देखें, ये देखें। अभी मैं इसके अंदर अगर ये देखें ऐसे करेंगे तो ये इसको डाउन करना है हमने जब बनाने से पहले। आप सारे इसको इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि ये आपका वो डो जो है वो हो जाए, नीचे दब जाए, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने देखें सारे को पंच डाउन कर लिया है, करने के बाद अब हम इसमें से अपना पेड़ा तोड़ेंगे। ये देखें सब पेड़ा तोड़ के खुशका लगाएं इसके ऊपर, इस तरह लगाने के बाद इसे रोल करते हैं, पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाने के बाद इसको रोलिंग पिन से रोल करते हैं। छोटे छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि कितना बड़ा साइज़ आपने उसका बनाना है फतेहर का। मुझे ज़रा बड़े चाहिए तो मैं बड़े बना रही हूँ, वरना एक बहुत बड़ी रोटी बेल के किसी चीज़ से उसके गोल गोल से काट लें कटर से उसको राउंड शेप में, और फिर उसको फिल कर लें। मुझे बड़ा चाहिए तो मैं एक एक करके बनाऊँगी। और इसको हम बनाने के बाद इसको सारा ऊपर की फिलिंग करने के बाद हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट आप इसको रख दीजिएगा, ताकि 15 मिनट में ना ये ऊपर और फूल जाएगा ना। 15 मिनट्स के लिए आप इसको रख दीजिएगा ताकि ये बाद में और इसके तेज़ हो जाए। अब ये देखें ऐसे बनाने के बाद आपने इसके अंदर ऊपर मैं चीज़ लगाऊंगी। ये अरबी जितने भी फूड होते हैं इसके अंदर ये लोग ज़्यादा मिर्चें नमक ये ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, करते हैं तो ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं ज़्यादा, मतलब रेड चिलीज़ का तो बहुत ही कम है इनके आना। ये आपने चीज़ लगा दी, चीज़ अच्छी तरीके से लगाइएगा ताकि चीज़ का ही फ्लेवर इसमें ज़्यादा आता है। इस तरह चीज़ लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल ली है, सारे टाइम चीज़ डाल देंगे, ठीक है। चीज़ डालने के बाद काउंटर को साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि सारा काम काउंटर का ही है। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो है हमारे पास सलामी है ये ऊपर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है काट के लगाएं, पूरी लगाएं, स्ट्रिप्स में काट के भी डाल सकते हैं, और इस तरह भी। करने के बाद आप इसके ऊपर ज़रा सा कोरिएंडर डाल दें, जहाँ चीज़ है उसके ऊपर डालिएगा ताकि चीज़ के साथ वो बाइंड हो जाए। चिपक जाएगा चीज़ पे ना। ये डालने के बाद आप इसके ऊपर ओरिगानो ज़रा सी डालें,
यहाँ फतायर बहुत किस्म के होते हैं, मैं आपको और दूसरों के दूसरे उसमें भी सिखाऊंगी, नाम एक ही होता है इनका, चाहे वो आप किसी चीज़ का भी लें, बस फतायर आपकी रोटी यही है, उसके ऊपर कीमा लहम और हर चीज़ का जो है फतायर जो है चिकन इसी का बनेगा। दोनों ओरिगानो और रोज़मेरी मैंने दोनों डाल दिए हैं। दोनों डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से यहाँ से उठाना है, उठाने के बाद आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है, यहाँ पे इस तरह प्रेस करने के बाद ये देखिए ये इस तरह से आपने प्रेस करना है, ये शेप आपने इसको देनी है, ठीक है। इसको लाके आटे को इसको यहाँ प्रेस कर दें, ठीक है। इसको 15 मिनट मैक्सिमम रहने दीजिएगा ताकि आपकी जो ये है डो है ये 15 मिनट में ऊपर फ्लफी मतलब खूब फूल जाएगा ना। अब इसके ऊपर हमने जो अंडा अपना मैंने अंडे और ऑयल तो वो किया है, बीट किया है, लगाते हैं इसकी रोटी के किनारों पे। इस तरह कैसे लगा दे, लगाने के बाद आप इसके ऊपर तेल डालें, सस मिर्च से तेल डाल दें, स्वीट्स डाल दें, तेल से बस सिर्फ गार्निश में अच्छा लगता है। ये वैसे खाते हैं ये नट्स वगैरह, तेल इसका बहुत ज़्यादा इनके वो है। ये करने के बाद आप हम इसको अपनी बेकिंग ट्रे जो है हमारी मैंने बटर पेपर से फ़ायदा ये होता है जी कि आराम से आपकी जो चीज़ है वो रेडी हो जाती है। ये देखिए ये आप इसके ऊपर डाल दें, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, बस आपने शेप जैसी भी देंगे है ये फतायरी रोटी इसकी, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं जो मैं आपको और भी बताऊंगी। इसको तेल अच्छी तरीके से लगाते हैं ताकि इसकी ब्यूटी में ज़रा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। वो रमज़ान में और कोई स्पेशल वो होता है तो ये यहाँ जैसे हमारे यहाँ समोसे होते हैं इनके यहाँ फतायर होता है। अब इस तरह मैं और बना लेती हूँ और फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। ये जी देखे मैंने ना इन दोनों को ट्रे पे लगा लिया है और इसी तरीके से मैं और बनाती हूँ। अभी मैं इसको ओवन पे रख रही हूँ, ओवन मैंने प्रीहीट किया था 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, तो 180 डिग्री पे इसको भी हम रख देते हैं। अब फिर जब होगा तो मैं आपको बताती हूँ। पहले जी ये देखे फतायर रेडी हो गए, तैयार हुए हैं। अब मैंने आप ये देखें नीचे से कैसे बेक हुए हैं ना, ये इस तरीके की आएगी उसकी रोटी का जो है वो इस तरह का होगा, ये देखें। और इसको आप जब सारा मैरिनेट कर लेंगे, जैसे हम पिज़्ज़े को रखते हैं थोड़ी सी देर के लिए रेज़ होने के लिए, इसको भी आप ज़रूर रखिएगा ताकि ये रेज़ होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कराएं प्लीज़ चैनल को ताकि मुझे पता चले कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही हैं, और थम्सअप करें ताकि पता चले कि आपको अच्छी लग रही हैं। और जी दुआ में याद रखें, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।